फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। लो बैक पेन यानी कमर दर्द की समस्या से अधिकांश लोग प्रभावित होते हैं। दरअसल ये समस्या लंबर स्पॉटलाइटिस से जुड़ी है। कई बार तो ये बेहद पीड़ादायक हो जाता है और लोग चलने फिरने में लाचार महसूस करने लगते हैं। इसलिए इस शुरुआती लक्षण में अपनी जीवन शैली में सुधार लाकर और डॉक्टर के परामर्श से व्यायाम आदि कर इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये समस्या स्पाइन के लंबर रीजन में आए कुछ बदलाव के कारण होती है। स्पाइन की दो हड्डियों के बीच डिस्क होता है जो वाशर की तरह होता है। अपनी जगह से हट जाना या दबकर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ निकल जाना ही डिस्क प्रोलैप्स या स्लिप डिस्क कहलाता है। डिस्क के बाहर निकले हिस्से से स्पाइनल के नस पर दबाव पड़ता है जो दर्द का कारण बनता है। कई मरीजों को सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए सामान्य लोगों को इससे बचने के लिए अपने उठने बैठने के तरीके, काम करने के तरीके का ख्याल रखना चाहिए। इस समस्या के लक्षण आए तो डॉक्टर के परामर्श से उचित व्यायाम करना चाहिए। 25 से 40 वर्ष की उम्र में डिस्क प्रोलैप्स यानी स्लिप डिस्क की समस्या अधिक होती है। डिस्क प्रोलैप्स का खतरा आमतौर पर भारी वजन उठाने, दुर्घटना के कारण हड्डी में चोट लगाने, कमर झुकाकर काम करने, गलत तरीके से झुककर या लगातार ज्यादा देर तक बैठने, बैक पोस्चर, गद्देदार बिछावन पर सोने वालों को ज्यादा होता है। रोग के लक्षण: कमर के ऊपरी, निचले, दाएं या बाएं हिस्से में दर्द का अनुभव, लेटने या सोने के बाद उठने या करवट बदलने में दर्द का अनुभव, कमर में धीरे धीरे दर्द या झंझनी शुरू होकर पैरों में जाना, पैरों में जलन या सुन्न लगना, चलने में पैर का भारी लगना एवं कमजोरी का अनुभव, सुबह सोकर उठने पर कमर का जाम या कड़ा हो जाना। इस रोग में हड्डियों के किनारों पर ऑस्टियोफाइटिस या स्पर बनने से आसपास की मांसपेशियों में ऐठन व सूजन आ जाती है, जिससे नसों एवं धमनियों पर दबाव पड़ने लगता है। इसमें शॉर्टवेव डायथर्मी, IFT इंटरफेरेंशियल थेरेपी, टेंस, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, इंफ्रारेड रेंज लैंप से सेक, ऑटो ट्रैक्शन मशीन का इस्तेमाल, अगर इंटरवर्टिबल ज्वाइंट का स्पेस कम हो गया हो तो किया जाता है। दर्द में आराम हो जाने पर कमर एवं इससे संबंधित पैरों का एक्सरसाइज मांसपेशियों की ताकत एवं जोड़ों की गतिशीलता यानी मोबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। कमर एवं पीठ के अलावा पैर का एक्सरसाइज आवश्यक है, क्योंकि कमर की नसें पैर की नस तक मांसपेशियों से जुड़ी हैं और उसे प्रभावित करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू।